कांग्रेस ने दिल्ली में बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने के लिए अभियान चलाने का फैसला लिया है। पार्टी उदयपुर नव संकल्प शिविर के प्रस्ताव के अनुसार संगठन का विस्तार कर जनता से संवाद करेगी। पार्टी के शीर्ष नेताओं ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में लोकसभा चुनाव 2024 में दिल्ली की तैयारी को लेकर बैठक की। बैठक में आम आदमी पार्टी के साथ संभावित गठजोड़ के अलावा दिल्ली में पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा की गई। हालांकि आपके साथ गठबंधन करने पर किसी भी नेता ने खुलासा नहीं किया। बुधवार को दिल्ली में हुई कांग्रेस की इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी मौजूद थे। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, लोकसभा को ध्यान में रखकर दिल्ली कांग्रेस के नेताओं के साथ विचार विमर्श किया गया। दिल्ली कांग्रेस में जान फूंकना हमारी प्राथमिकता है और इसमें सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं की भागीदारी जरूरी है। हमने दिल्ली को समृद्ध और सुखी बनाया है। दिल्ली के लोगों के लिए हमारा संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। बैठक में राहुल गांधी और खड़गे ने प्रदेश के सभी नेताओं से एकजुट रहने का आह्वान किया। दिल्ली के सभी 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में हैं। बैठक में राहुल गांधी ने पिछले दिनों दिल्ली में पंचरवाले से लेकर आजादपुर मंडी तक के समकरण साझा किए। गांधी ने कहा, दिल्ली सेवा विधेयक पर आपका साथ सैद्धांतिक तरीके से था, उसे किसी प्रकार के समर्थन के रूप में नहीं देखा जा सकता है। इससे जाहिर है कि कांग्रेस आपसे गठबंधन को लेकर जल्दबाजी नहीं करना चाहती। वहीं कांग्रेस की ओर से दिल्ली में लोकसभा चुनाव में आपसे गठबंधन पर पत्ते नहीं खोलने पर इंडिया गठबंधन की दरार पड़ती दिखाई दे रही है। आपकी मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कर ने कहा कि यदि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने का मन बना लिया है तो इंडिया गठबंधन का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि आपका नेतृत्व मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेने पर फैसला करेगा। आपको भी सुनाते हैं कि प्रियंका कक्कर ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। देखिए, नाराजगी की बात नहीं है। अगर हमने उनका बयान सुना और अगर वो दिल्ली में अलायंस नहीं करते तो फिर इंडिया अलायंस में जाने का कोई मतलब नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है। हमारी टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी कि इंडिया अलायंस की नेक्स्ट मीटिंग अटेंड करनी है या नहीं। देखिए, अलायंस के लिए कांग्रेस आई थी हमारे पास, क्योंकि कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है दिल्ली में। तो इंडिया अलायंस की अब नेक्स्ट मीटिंग हम अटेंड करते हैं कि नहीं, ये टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी। जो मैंने आपको पहले कहा कि थोड़ा और क्लैरिटी आने दीजिए, बट अगर आज अलका लांबा जी की बात को और उनके दिल्ली प्रेसिडेंट की बात को कांग्रेस की सच माना जाए, तो अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि दिल्ली में अलायंस नहीं करना, तो फिर इंडिया अलायंस की मीटिंग का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता। टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी कि हम ये मीटिंग अटेंड करते हैं या नहीं। बता दें कि आप नेता प्रियंका कक्कड़ का यह बयान कांग्रेस नेता अलका लांबा के बयान के बाद सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इससे पहले अलका लांबा ने दिल्ली को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की बैठक के बाद कहा था कि पार्टी आलाकमान ने सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करने के लिए कहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।